चुटिया थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी के कई मामलों का उद्भेदन किया है। आरोपी के पास भारी मात्रा में सोना, चांदी व हीरे के गहने, पीतल के बर्तन, दर्जनों मोबाइल, LED, विदेशी सिक्का समेत नकदी बरामद किया गया है। मूल रूप से यूपी के गोरखपुर जिले के देवरिया निवासी रवि शर्मा और सुद्धू शर्मा चुटिया स्थित द्वारिकापुरी रोड नंबर 8 में राजा राम के मकान में किराएदार था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी अकेले ही घटना को अंजाम दिया करता था। छठ की रात में द्वारिकापुरी रोड नंबर 2 में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 1.5 माह पहले भी कृष्णापुरी रोड नंबर 1B में कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी देते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि आरोपी को चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया था। आरोपी की निशानदेही पर भारी मात्रा में ज्वेलरी सहित अन्य सामान बरामद किए गए। इसके अलावे औजार, ग्लव्स, मास्क बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल घटना को अंजाम देने के समय किया करता था। 7-8 वर्ष पूर्व भी चोरी के केस में पकड़ा गया था। आरोपी विगत 3 वर्षों से कई बंद घरों में रात्रि में घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी की निशानदेही पर ही द्वारिकापुरी स्थित मकान से भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए गए। देखिए, कल एक प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई, मतलब 8/11/2022 को, कि एक व्यक्ति के पास कुछ संदिग्ध चोरी का सामान है। इसको लेकर के एक टीम बनाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग DSP सिटी कर रहे थे और थाना प्रभारी चुटिया के नेतृत्व में वो टीम काम कर रही थी। और इस टीम के द्वारा साउथ रेलवे कॉलोनी से रवि शर्मा और सुड्डू शर्मा को संदिग्ध स्थिति में चोरी के कुछ सोने के आभूषण एवं चांदी के बर्तनों के साथ पकड़ा गया। इस संदर्भ में जब उससे गहराई से पूछताछ की गई, तो उसने कई पुराने मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और विगत 3 वर्षों में ऐसे कई चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। उसके घर की जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से बड़ी मात्रा में आभूषण, बर्तन एवं अन्य कीमती सामान बरामद हुए हैं। अभी हाल ही में छठ की रात्रि में द्वारिकापुरी रोड नंबर 2 में भी एक बंद घर से चोरी हुई थी एवं लगभग 1.5 माह पूर्व कृष्णापुरी रोड नंबर 1B में भी एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में सामान जो है चोरी गया था। उस मामले में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा अन्य 10 मामलों में भी इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इसमें ज़्यादातर मामले कृष्णापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी मोहल्लों से संबंधित हैं और इसके पास से लगभग 2 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण एवं बर्तन, 150 ग्राम से ज़्यादा, अभी उसका हम लोग इवैल्यूएशन और कराएंगे, लेकिन 150 ग्राम से ज़्यादा के सोने के आभूषण और लगभग 23 मोबाइल फ़ोन और पीतल के बर्तन का काफ़ी सेट, टेलीविज़न सेट, म्यूजिक सेट, म्यूजिक स्पीकर्स वगैरह और बहुत सारा कीमती सामान इसके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा इसके द्वारा जिन औजारों का प्रयोग किया जाता था, औजार हों, ग्लव्स हों, रस्सी हो, मास्क हो इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, उन सारी चीज़ों को भी रिकवर किया। देखिए, अभी तक जो मामला सामने आया है और कुछ मामलों में हम लोगों को CCTV फुटेज भी मिला था, उसमें अभी तक एक ही व्यक्ति की संलिप्तता इसमें नज़र आती है। ये खुद ही सारी गतिविधियों को प्लान करता था और उसके बाद उस गतिविधि को, उस घटना को अंजाम देता। इसके द्वारा इस सामान को कहाँ खपाया जाता था, इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और रिमांड पर लेकर के हम लोग और विस्तृत पूछताछ इससे करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।